आज हम बनाने जा रहे हैं खासकर गर्मियों के मौसम में बनाया जाने वाला रंग बिरंगा शाही कस्टर्ड। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक बर्तन में 2 कप दूध ले लिया। बर्तन आप कोई सा भी ले सकते हैं, पर जहाँ तक हो हैवी तले वाला ही बर्तन लें, क्योंकि हम कस्टर्ड बना रहे हैं और कस्टर्ड बहुत जल्दी तले में जाके चिपकने लगता है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं और दूध को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। दूध अभी गर्म हो रहा है, तब तक हम कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार करके रख लेंगे। 1/2 लीटर दूध के लिए यहाँ मैंने 20 ग्राम कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हम इसको ठंडे दूध में घोल लेंगे, गर्म दूध में नहीं घोलेंगे। गर्म दूध में घोलने से इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। पाउडर घोलने के लिए यहाँ मैंने दूध अलग से लिया है। आप चाहे तो दूध गर्म रखने के पहले उसी में से थोड़ा सा दूध अलग निकाल के रख लें। ये देखिए, इधर हमारा दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर और अच्छे से मिला लेंगे। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये देखिए, ऐसे ही हमें दूध को लगातार चलाते हुए घोल मिलाते जाना है। दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें हल्के गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाना है। उबलते हुए दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाने से इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और अभी भी मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है और इसी तरह लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हम कम से कम 6 मिनट तक पकाएंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। और ध्यान रहे, हमें यह सारी प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे। ये देखिए, लगभग 6 मिनट बाद दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को यहीं पर बंद कर देते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कस्टर्ड पूरे तरीके से ठंडा हो गया है और ये ठंडा होने के बाद में और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम दही और 2 बड़े चम्मच मलाई। दही ऐड करते समय हम ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा पुराना या खट्टा दही नहीं मिलाएंगे, कस्टर्ड में हमें ताज़ा दही ही मिलाना है। अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो प्लेन कस्टर्ड में भी फ्रूट मिला के सर्व कर सकते हैं, पर इस तरीके से दही और मलाई मिलाने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बाउल लेंगे, आप कोई सा भी एक बर्तन ले सकते हैं, और एक छलनी लेंगे। ये वही वाली छलनी है जिससे हम सूप या फिर घी छानते हैं। अब हम कस्टर्ड को छलनी में से अच्छे से छान लेंगे। ऐसा करने से कस्टर्ड बिल्कुल एक सार हो जाएगा। यदि आपके पास में बीटर है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ कितना स्मूथ और एकदम क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड बनके तैयार हुआ है। और इसकी थिकनेस देखिए आप, यदि हम इससे पतला कस्टर्ड रखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और फ्रूट्स मिलाने के बाद में कस्टर्ड अलग और फ्रूट्स अलग जाएंगे। चलिए, कस्टर्ड तो हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं या फिर जो भी आपको आसानी से मिलता है। यहाँ पर मैंने कटे हुए अंगूर, बनाना, थोड़े से काले अंगूर और अनारदाने लिए हैं। ध्यान रहे, कटे हुए फल और ड्राई फ्रूट्स खाने के 1/2 घंटा पहले ही डालें। अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, फ्रूट्स पर कस्टर्ड की कोटिंग कितने अच्छे से हुई है। अब हम इसको ऊपर से और गार्निश कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ मैंने थोड़े से अंगूर, थोड़े से काले अंगूर, सेव फल, अनार और थोड़ी सी केसर ली है। तो आप कब बना रहे हैं रंग बिरंगा शाही कस्टर्ड, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।